Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti, Awakening with Brahma Kumaris mein aaj phir aap sabka swagat. जीवन जीने की कला को हम सीख रहे हैं लाइफ स्किल्स की इस श्रृंखला में. अपने विचारों को देखा, जाना कि कितनी तरह के विचार होते हैं. अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो थॉट्स या विचार हम क्रिएट करते हैं क्या असर डालते हैं. हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. आप दोनों का स्वागत. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. डॉक्टर पटेल, एक बड़ा खुलासा हुआ है हमारे सामने हैं अब खुली किताब की तरह कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं. जो भी विचार हैं, जिस तरह के जितनी तरह के विचार हैं आपने कहा, वो हमारे द्वारा क्रिएट होते हैं. अभी तक हम अवेयर नहीं थे, अब धीरे धीरे पता चल रहा है. ये जो विचार हैं, ये जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे जीवन पे तो डाल रहे हैं असर. अगर है क्या हमारे बॉडी पर भी इनका असर होता है? नहीं, डेफिनेटली पहला असर तो बॉडी पे होता है क्योंकि ना आत्मा शरीर से रिलेटेड है, तो फर्स्ट इफेक्ट तो बॉडी पर ही है, फिर सारे जीवन पर है, लाइफस्टाइल पर है. और मानते हैं कि शरीर में 75 ट्रिलियन सेल्स है. तो आपका प्रत्येक विचार या सभी 75 ट्रिलियन सेल्स पर इफेक्ट करता है. बॉडी और ये पर्सनालिटी, दे आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट. तो जो जो हम थॉट कर रहे हैं वो इस शरीर पर, इस पर भी असर डाल रहा है, ऑर्गन्स पर भी डाल. बिल्कुल, हाँ, थॉट भी डालेगा और जब पर्सनालिटी बनेगी तब तो वो थॉट आपका बार बार रिपीट होगा. हाँ. और उससे अच्छा और जो नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट है वो बढ़ती जाएगी. ओके. बात तो है कि भी वन सिंगल थॉट अफेक्ट्स प्रैक्टिकली ऑल द 75 ट्रिलियन सेल्स ऑफ बॉडी. Okay. ना, मतलब इतनी इसको अगर हम समझ ले तो दिट्स अ क्वाइट एन डीप रूटेड थिंग कि भी प्रत्येक विचार पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विचार में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है तो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, अगर उसमें पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव इफेक्ट हो रही है. ओके. और ये कैसे डाल रहा है? आत्मा का स्थान नहीं, ब्रेन का एक सेंट्रल पोर्शन है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं. हाइपोथैलेमस को भी माना गया है कि वो दिमाग का भी दिमाग है. तो वहाँ पर आत्मा निवास करती है और हाइपोथैलेमस इमोशन से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है. और जब एक भी नेगेटिव विचार आया तो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट होगी और उसका असर फिर सारे शरीर पर होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस का सारा कनेक्शन ब्रेन के साथ भी है, डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर भी है. ओके. तो मतलब मेरा एक एनर्जी, एक जो थॉट है वो हाइपोथैलेमस को इफेक्ट कर रहा है. हाइपोथैलेमस में कई सेंटर्स है. अगर नहीं आम भाषा का उपयोग करना हो, मेडिकल लैंग्वेज को बाजू में रख दे तो ये एक स्विच बोर्ड की तरह, जैसे भी एक स्विच आपने ऑन की फैन स्टार्ट हो गया, दूसरा स्टार्ट किया गीजर स्टार्ट हो गया, तो ऐसे ही हाइपोथैलेमस में अलग अलग स्विचेस है. एक स्विच पर इफेक्ट हुई तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एसिडिटी. अच्छा. बढ़ जाएगी, मतलब कोई एक इमोशन से एसिडिटी. हाँ, बढ़ गई. हाँ. दूसरा इमोशन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तीसरे इमोशन से घबराहट बढ़ गई, ऐसा ये भी हो सकता है. और जो दूसरी बात विच इज साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर एक सेंटर, हम कहें भी डिफरेंट स्विच हाइपोथैलेमस में है, एक स्विच अगर ऑन हो गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. इससे दूसरी स्विच ऑन हुई तो डिफरेंट इफेक्ट्स होगी और इमोशंस की भी इफेक्ट पॉसिबल है. ये अपने आप में एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है कि कैसे क्रोध की क्या इफेक्ट होगी, लोभ की क्या इफेक्ट होगी, अगर क्रिटिसिज्म हुआ तो क्या इफेक्ट होगा. मेरे ऑर्गन में जो प्रॉब्लम आई है मैंने वहीं तक सीमित रखा, उस दवाई के साथ ही उसको रिलेट किया, या फिर मैंने वो फिजिकल एक्सरसाइजेज और उन तक किया. मतलब व्हाई आई लिव्ड इन दिस फूल्स पैराडाइज, मुझे समझ में क्यों नहीं आया. नो, इट्स नॉट दैट हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज इस बात की भी अवेयरनेस है कि माइंड इज हैविंग एन इफेक्ट ऑन द बॉडी. ये बात की भी अवेयरनेस है कि अगर आप बॉडी का कितना भी ध्यान रख लें तो भी अगर माइंड हेल्दी नहीं है. सो मेनी यंग प्रोफेशनल्स टुडे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स एट अ वेरी यंग एज. और इनसे अगर बात की जाए तो ये कहेंगे हम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, हम अल्कोहल भी नहीं लेते, हम हर मॉर्निंग अपनी वॉक पर जाते हैं, हम फिजिकली भी ओबीस नहीं हैं, कुछ नहीं है. तो लॉजिकली देर इज़ एब्सोल्यूटली नो रीज़न
के ऐसे हेल एंड हार्टी एंड जो राइट लाइफस्टाइल, जो हम कहते हैं ना राइट लाइफस्टाइल, वो लीड कर रहे हैं, तो फिर इसको इतनी यंग एज में मिड थर्टीज और समथिंग या अर्लियर देन दैट हार्ट अटैक हो रहा है. दैट्स बिकॉज वी आर इग्नोरिंग वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि इनका मन कितने टर्मोइल से गुजर रहा है सारा दिन. तो जबकि ये अवेयरनेस आ गई, अब जैसे हम बॉडी का ध्यान रखते थे हमें मन का रखना है, लेकिन हम मन का क्यों नहीं रख रहे थे, क्योंकि हमने कहा वो तो विदाउट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन है. सो वी एक्सेप्टेड स्ट्रेस. See, we accepted ये सारी emotions जो आज हम सोच रहे हैं कि we are creating, we are understanding that. Earlier we thought we are not creating, they are happening because of the situation. So if I am a corporate leader or if I am working in a multinational, जहाँ ना दिन है ना रात है, सुबह निकलना है, रात को आना है, family time नहीं है, stress बहुत है, competition बहुत है, तो these emotions are a part of my life. And if these emotions are a part of my life, then these diseases also are a part of my life. In fact, oh, yes, because so I cannot change them. I cannot change them. They thought to change means फिर आप अपनी job छोड़ दो, या आप अपने ambitions को कम कर दो, you become, संन्यास लेके बैठ जाओ, बोलते हैं. संन्यास नहीं भी तो भी, you know, if you tell someone, थोड़ा सा slow down हो जाओ, थोड़ा सा, कहेंगे competition इतना है कि अगर मैं थोड़ा भी slow हो गया, तो आज लीडर छोड़ो, एक नॉर्मल जॉब के लिए भी, जॉब एक है, लाइन में 100 लोग खड़े हैं जो उस जॉब के लिए रेडी हैं, थोड़ा सा आप स्लो डाउन हो जाओ, द कंपनी विल से ओके यू आर नॉट नीडेड, लेट अनदर पर्सन वॉक इन. सो वी हैव एक्सेप्टेड दैट सिचुएशंस चैलेंजिंग है तो स्ट्रेस तो होना ही है. द बिगेस्ट सो कॉल्ड रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, यू नो, जिसकी वजह से हम अपना कितना नुकसान कर रहे थे. जब तक सिचुएशन नहीं चेंज होगी, इमोशन नहीं चेंज हो सकती, और जब तक इमोशन नहीं चेंज होगी तो हेल्दी होना पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए वी एक्सेप्टेड. सो वी थॉट कि चलो जितना मैं ध्यान रख सकता हूँ उतना रख लेता हूँ, एंड दैट वाज ऑल फिजिकल. बट द आयरनी इज कि इतना ध्यान रखने के बावजूद बीमारियाँ तो, लेट्स गो बैक 20 years back, नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल वाटर, नो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉगिंग पार्क्स, डाइट अवेयरनेस. आज तो हर न्यूज़पेपर में डाइट पर आर्टिकल है, आज हम स्प्राउट्स खा रहे हैं, मतलब नेचुरोपैथी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बीमारियां फिर भी बढ़ती जा रही है. बिकॉज वन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन इज बीइंग कन्वीनियंटली इग्नोर्ड जस्ट बाय सेइंग टू योरसेल्फ कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं. तो जितना इस तरफ ध्यान रख सकते हो रखो, फिजिकली सारा रख लो, ताकि कुछ तो एक balance, which is very good, कि at least we are taking care of ourselves physically. लेकिन balance तो मतलब जो एक dominant factor है कि if it is mind over matter. आज दिन तक हम कहते थे अगर healthy होंगे तो खुश होंगे. It was supposed to be अगर खुश होंगे तो healthy होंगे. You know, you ask someone क्या चाहिए, खुशी चाहिए. खुशी कैसे मिलेगी, healthy होंगे तो खुश होंगे. Healthy होंगे तो खुश होंगे नहीं, खुश होंगे तो healthy होंगे. तो इक्वेशंस ही तो सारे लेकिन आगे जा रहे थे में भी नहीं गए. जो शिवानी बेन बता रहे हैं कि ये तो समझ में आता है कि स्ट्रेस की इफेक्ट होती है, लेकिन वो डीप में क्या है, क्यों हो रहा है, उसको हम अंडरस्टैंड अच्छे से आज तक नहीं कर पा रहे. और आपने भी जो शुरू में पूछा ना, वह बात भी एक प्रकार से सही है कि लोग आज ये समझने लगे कि हम आसन कर लेंगे, कुछ प्राणायाम कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे. ये मन पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गहरी बात है, हमें समझ में नहीं आया और हमारे बस में ही नहीं. हाँ, ये भी सोचते हैं कि हम उस पर कुछ कर ही नहीं सकते. और वो मतलब, क्योंकि अगर वो करना है तो मुझे अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, मुझे अपनी एम्बिशंस छोड़नी पड़ेगी. लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सिचुएशन बाउंड नहीं है, अगर हम ये रियलाइज कर लें, देन लेट्स लुक एट इट कि क्या असर पड़ता है हमारी बॉडी पे, क्योंकि उस तरफ तो हमने जाने की कोशिश नहीं की. तो क्या असर डालती हैं ये फीलिंग्स हमारे शरीर में. एक प्रणाली है जिसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ऑटोमेटिक काम करती है. जैसे शरीर के मसल्स को कंट्रोल करना हमारे बस में, हाथ को ऊपर नीचे करना, परंतु जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, जैसे कि हार्ट की एक्टिविटीज़, डाइजेशन, किडनी का फंक्शन, ये सब ऑटोमेटिक चलता है. अब जब नींद में सोए हैं तब भी वो अपना नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, इसी के कारण उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक. जो सिंपैथेटिक प्रणाली है, अधिकतर जो हमने टॉक्सिक इमोशंस कहा, वो सभी टॉक्सिक इमोशंस सिंपैथेटिक सिस्टम को बहुत तेज चलाएंगे. और सिंपैथेटिक सिस्टम वो एक्सेलरेटर की तरह है, और जब सिंपैथेटिक सिस्टम फास्ट काम करती है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी,
सांस की गति तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो हृदय की अपनी धमनियां है, ब्लड वेसल्स है, वो भी छोटी सी हो जाएगी, मसल्स है वो सारे टेंशन में आएंगे, मुंह सूखने लगेगा। तो ये जो हमें फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं जब हम यू नो इन इमोशंस को महसूस कर रहे होते हैं, सो इट्स बिकॉज़ ऑफ द सिम्पैथेटिक, बिकॉज़ ऑफ द सिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी। ओके, जैसे कि सिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी में डाइजेशन खत्म है, आपको भूख नहीं लगेगी, इवन कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में जाते हैं तो बैक पेन होता है, इवन माइग्रेन हेडेक कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। तो ये सारा एक चेन ऑफ रिएक्शन है। और जो दूसरी सिस्टम है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, कि जो एक प्रकार से ब्रेक की तरह है, और जब पॉजिटिव इमोशंस हो, खुशी का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो, सेटिस्फेक्शन का अनुभव हो, तो थोड़ी सी पैरासिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा काम करती है कि जो अच्छा है। आज वर्तमान 21वीं सदी में ब्रेक पर तो हमारा पैर ही नहीं है, ब्रेक फेल हो गई है और एक्सेलरेटर बहुत ही फास्ट चल रहा है, इसके कारण बहुत सारी जो बीमारियां हैं वह हो रही है। ओके, डॉक्टर पटेल, एक मेरे को बात जाननी है। आपने कहा कि जैसे ही हमारी टॉक्सिक इमोशंस जो हैं वो आती हैं हमारे पास, यानी कि हमारे थॉट्स जो हैं बहुत फास्ट चलने लगते हैं, तो ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक एस्पेक्ट्स हैं जो ऑटोनॉमस हैं, ये नॉर्मल जो है नॉर्मल लाइफ में, अगर दोनों कुछ नहीं हो रहा, कोई भी इमोशंस इस वक्त नहीं है, तो वो क्या एक बैलेंस में चल रहे हैं? तो ऑलवेज वो बैलेंस में चलेंगे। सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी भी नहीं है, पैरासिंपैथेटिक भी नहीं है, और आप हेल्दीली चल रहे हो। लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशंस आए, क्योंकि परिस्थितियां तो आनी है, मैं नहीं कह सकते परिस्थिति नहीं आएगी, उसमें हमने वो इमोशंस क्रिएट की, बार-बार आई थिंक वी नीड टू रब इनटू आवरसेल्फ्स नाउ, कि भी वो पॉजिटिव इमोशंस को भी लाना है, मुझे थोड़ा डिटैच होना है, पीस ऑफ माइंड को अनुभव करना है, तब पैरासिंपैथेटिक सिस्टम भी एक्टिवेट होगी और हमारा जो स्वास्थ्य है वह सही रूप से चलेगा। पैरासिंपैथेटिक अगर एक्टिवेट हुआ तो क्या क्या बॉडी पर इफेक्ट होता है? वो अधिकतर इससे अपोजिट है। अच्छा, मतलब हार्ट रेट आपका कम होगा, हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, मसल्स है वो रिलैक्सेशन में जाएंगे, प्रॉपर सिक्रीशन होगा डिफरेंट जूस का, इवन हार्मोनल सिस्टम पर भी उसकी कुछ इफेक्ट है, वो बैलेंस होगी। ओके, मतलब अगर पैरासिंपैथेटिक ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो बुरा है, तो बुरा है, बट दैट इज एक्सट्रीम, अदरवाइज जो नॉर्मली है वह नेगेटिव इमोशंस है वो सिंपैथेटिक पर इफेक्ट करते हैं। तो अब हमने कोशिश की थी कि गुस्सा आ रहा है तो उसके ऑपोजिट के इमोशन को क्रिएट करने की कोशिश करें, यू नो, या बिकॉज समवेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। समवेयर आई थिंक अपने बिलीफ सिस्टम्स पर वर्क कर लें, क्योंकि बिलीफ सिस्टम से थॉट्स है। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा एक एक थॉट, एक एक गुस्से का थॉट मेरा डैमेज कर रहा है, दूसरे का तो कर रहा है, काम का तो कर रहा है, लेकिन सबसे पहले मेरा डैमेज कर रहा है, और शायद दूसरे भी से भी ज़्यादा मेरा ही डैमेज कर रहा होगा। यू नो, कई बार ऑफिसेज में अगर किसी सीनियर को आदत हो गई है गुस्से से काम कराने की, तो कई बार जो जूनियर्स हैं उन पर अब उस बहुत बात का असर नहीं पड़ता। यू नो, देयर इम्यूनिटी सिस्टम बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर मेंटली ऑल्सो, कि ये तो ऐसे शोर मचाते रहते हैं, समटाइम्स पीपल जस्ट लाफ अबाउट इट, लेकिन जो कर रहा है उसका तो नुकसान हो ही रहा है ना, के हर अंग का, जैसे कहा आपने, एंड फिर उसकी वो नेचर बनती जा रही है। एंड होता भी क्या, अगर मैं किसी को देखकर इरिटेट हो जाऊँ, आई माइट शाउट एट देम वंस, लेकिन वो बात मेरे माइंड में तो यू नो कुछ मिनट्स तक तो कम से कम रहेगी, ये लोग ऐसे ही हैं, जब तक इन पर चिल्लाओ नहीं, फिर मैं अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रही होती हूँ अपने बिहेवियर के लिए। तो शोर तो एक मिनट में मचाया, लेकिन कम से कम 15 मिनट उसके थॉट्स चल रहे होंगे, इसका मतलब कितना ये डैमेज हो रहा होगा अंदर वाला, दिस आई एम नॉट रियलाइजिंग। इवन हेट्रेड, जिसको हम कभी बाहर शो नहीं करते, कितनी बार, और अंदर अंदर हम मतलब हेट में जी रहे होते क्यों, सप्रेशन भी क्यों नहीं, सप्रेस्ड आज बहुत सारे वाइव्स फील करते हैं, हम बोल नहीं पाते, हम अपनी बात नहीं रख पाते, हस्बैंड मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो अंदर 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 सप्रेशन, अपनी थॉट्स को नहीं चेंज कर रहे, देन इट इज़ मैनिफेस्टिंग इन सम काइंड ऑफ अ डिजीज ना। तो हेल्दी रहने के लिए
अगर मुझे ये समझ में आ जाए, एटलीस्ट मैं अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स को तो चेंज कर दूँ. इवन इफ़ आई एम एक्सेप्टिंग कि स्ट्रेस तो होना ही है, चलो लेट्स डू दैट सेकेंडरी, क्या मैं आज ये बिलीफ सिस्टम सिर्फ ले लूँ कि मैं गुस्सा करे बिना काम कराऊंगा. ये तो मेरे हाथ में है ना, हेल्दी रखने के लिए. ये तो मेरे हाथ में है ना, ट्राई करो सेफ रखने के लिए. एंड इट्स ओनली अ प्रोग्रामिंग ना. मैं बार बार अपने आप को ये बात कहूँगा कि मैं गुस्सा करे बिना काम कराऊंगा. व्हाई विल आई नॉट बी एबल टू डू इट? इट्स अ बिलीफ सिस्टम दैट आई हैव टू चेंज. एटलीस्ट वो इफेक्ट इमिजिएटली मुझे दिखाई देने लगेगा अपने ऊपर. धीरे धीरे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा, मैं अगर ध्यान रखूँ, आई कैन यू नो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई थॉट्स, देन आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो, देन आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ फियर ऑल्सो, बिकॉज मुझे रियलाइज होगा कि ये सारी नेगेटिव इमोशंस मेरी अपनी क्रिएशन है. इट्स ओनली एक किसी स्टेप से शुरू करना पड़ेगा. एंड आई नॉर्मली फील कि एंगर इज एन ईजियर वन टू स्टार्ट विद, क्योंकि एंगर बाहर मैनिफेस्ट होता है. आज हमें अपने आप को अंदर देखना थोड़ा सा अभी भी मुश्किल है कि कहाँ वरी है, कहाँ जेलसी है. जो हमें बाहर अपने आउटबर्स्ट दिखाई दे रहे हैं ना, मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, एटलीस्ट आई कैन सी दैट. मैं गॉसिप करती हूँ, आई कैन सी दैट. मैं शाउट करती हूँ, आई कैन सी दैट. लेट मी जस्ट स्टार्ट वर्किंग एटलीस्ट ऑन दीज बिहेवियर्स. आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, आई विल रियलाइज कि एटलीस्ट जहाँ मैंने अटेंशन दिया, I was able to bring about a change. जिन चीज़ों को मैंने अभी तक कहा था कि ये natural है, धीरे धीरे I'll be able to go deeper to fears, insecurities, rejections. I think क्योंकि अभी तक realization ये ही नहीं था कि these are my creations, you know. ये भी था कि these are natural, you know. Criticize करना natural. ये इतना natural कहने से इतनी सारी unnatural चीजें हो रही थी. और even ये बात भी कि भी एक thought की effect है. जैसे नहीं, एक सिंपल थॉट कि भी आई एम अ पीसफुल सोल, वो तो सिंपल है ना. और कुछ चीज़ें भले आप बिलीव नहीं भी करो, दैट ऑल्सो कैन हैव अ वंडरफुल इफेक्ट. हमारी गुलजार दादी एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं, जो एंगर की बात कही ना, कि भी एक बॉस थे, वो माउंट आबू में आए, उन्होंने मेडिटेशन को सीखा और ये बात आई कि भी आई एम अ पीसफुल सोल. और फिर ऑफिस में गए, सचमुच पीसफुल रहने लगे. लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि भी क्या बात है. पहले तो हमारा बॉस आता था, गुस्से में ही बात करता, डांटता था, हम लोग भी कांपते थे आते ही. अब इसमें क्या हो गया, तो पीसफुल हो गया सचमुच, लोगों में भी चेंज आया. दादी कहती यहाँ तक कि उसके जो सबॉर्डिनेट थे मेरे पास आए और कहा, दादी इनको रोज आप मेडिटेशन सिखाना, दो चार महीने में तो जरूर इनको कुछ ना कुछ मेडिटेशन की बात सिखाना. कहा क्यों, तो कि दादी ये जरूर आप करना, क्योंकि पहले जब आता था ना तो हमको लगता था कि काल आ गया, अभी जब भी हमारे बॉस आते हैं तो हमको लगता है बाप आ गया. दादी एक्सप्लेन दिस. डॉक्टर पटेल, अगर ये सारी चीजें इतना इफेक्ट कर रही हैं, जैसा आपने कहा कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक का एस्पेक्ट आ जाता है, इवन देयर आर अदर्स, नो देयर आर अदर थ्री एस्पेक्ट्स जिस पर इफेक्ट होती है. जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऐसे दूसरी एंडोक्राइन सिस्टम, ये छोटी छोटी ग्लैंड है. आपने भी सुना होगा कि गले में थायराइड ग्लैंड है, साथ में पैराथायराइड है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है. मुझे तो कई बार लगता है कि 80% जनता जो है वो हाइपोथायराइड से जूझ रही है, मतलब हाइपो या हाइपर से जूझ रही है. किडनी के ऊपर दो ग्लैंड है जिसको एड्रिनल कहते हैं, ऐसे नहीं ओवरीज और टेस्टीज, उसमें से भी कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. तो ये जो सभी एंडोक्राइन हॉर्मोन्स है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, और साथ साथ में वह केमिकल सीधा खून में चला जाता है, और केमिकल से वो सीधे खून में नहीं जाते हैं. तो ये जो एंडोक्राइन सारी सिस्टम है वो कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा की तरह है, डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं. हाँ, डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि वो सीधा खून में जाता है. और यह जो डिफरेंट सिस्टम्स है वो ऑर्केस्ट्रा में अगर एक इंस्ट्रूमेंट भी ठीक से नहीं बजे तो पूरा आनंद किरकिरा हो जाता है. तो ऐसे ही कहते हैं कि भी एक भी ग्लैंड में थोड़ी भी दिक्कत हो तो सारी सिस्टम गड़बड़ा जाती है. और इसका कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस में है. अच्छा. हाँ, हाइपोथैलेमस से जो डिफरेंट ग्लैंड्स है उनको रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करते हैं. जैसे थायराइड एक हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन. अब थायरॉक्सिन को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस थायरॉक्सिन रिलीजिंग फैक्टर सिक्रेट करता है, दूसरा है थायरॉक्सिन इनहिबिटिंग फैक्टर, TSH वगैरह. तो अभी TSH को रिलीज भी करना है, बढ़ाना भी है, वो बैलेंस भी हाइपोथैलेमस में. और जो हमारे इमोशंस है उससे उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, और एक इम्बैलेंस हुआ सारे के अंदर डिस्टर्बेंस निर्माण होगा.
तो बात यह है कि यह इश्यू बड़ा सेंसिटिव है कि एक छोटा सा भी विचार आपके सारे हॉर्मोन्स में डिस्टर्बेंस ला देगा। तो ये जो टॉक्सिक इमोशंस हैं, ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। वो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करेंगे। अच्छा, तो रिलीजिंग या इनहिबिटिंग जो इफेक्टर्स है वो डिस्टर्ब होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे तो हॉर्मोन्स पर भी इफेक्ट होगी। ऐसे दूसरा एक हॉर्मोन है कॉर्टिसोल, कि जो किडनी के ऊपर छोटी सी ग्रंथि है। अब कॉर्टिसोल की ज़रूरत भी है हमें, क्योंकि उससे एनर्जी भी आती है, परंतु कॉर्टिसोल की मात्रा अगर बढ़ जाए तो भी उसकी बहुत नेगेटिव इफेक्ट है, यहाँ तक कि ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। तो इसके कारण स्ट्रेस से या टॉक्सिक इमोशन से कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। हाइपोथैलेमस इफेक्ट होता है। हाँ, हाइपोथैलेमस पहले इफेक्ट होता है, फिर उस पर इफेक्ट होता है। इसीलिए कहते होंगे ना, जब गुस्सा आता है तो मुझे लगता है मुझे एनर्जी मिली है। हाँ, एक बार गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज़ इट मस्ट बी गिविंग दैट सर्ज ऑफ एनर्जी एट दैट टाइम, लेकिन वो टेम्पररी हुआ और बार बार करने से उसका लॉन्ग टर्म फिर नो, इवन एवरी टाइम हर बार आपको गुस्सा आया, भले एनर्जी लगी परंतु तब ब्रेन पर भी इफेक्ट हुई और ब्रेन डैमेज हुआ। अच्छा, हार्ट पर भी नेगेटिव इफेक्ट हुई, हार्ट भी डैमेज हुआ। मतलब अगर कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज हो रहा है तो ब्रेन पर भी डैमेज होता है, ब्रेन पे असर पड़ रहा है उसका। एंड दैट्स व्हाई इफ वी सी मोस्ट ऑफ दीस डिजीजेस, थायराइड और वंस यू गेट द प्रॉब्लम यू आर लिविंग विद इट फॉर अ लाइफ टाइम। हां, मतलब आप क्योंकि हम रूट को तो अगर रूट थॉट्स है उसको तो मैनेज करने के बारे में हमने नहीं सोचा, तो इनमें से जो भी इलनेसेस हैं एक बार हो गई तो हम सिर्फ दवा ले लेके उसको बस चलाते रहते हैं, उसके बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं। रूट को अगर ठीक कर लेते तो प्रॉब्लम भी एबल टू कम आउट। और एक देखो मैकेनिज्म है, कहते पूरी आज नई ब्रांच डेवलप हो रही है मेडिसिन की, जिसको कहा है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, कि कैसे साइकिक फैक्टर्स है वह ब्रेन पर इफेक्ट डालते हैं और इन टर्न वो इम्यून सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं। नहीं, इम्यून सिस्टम वो एक हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है। बार बार बीमार जो हम पड़ते हैं, मतलब हम बच्चों के लिए भी कहते हैं कि बार बार बीमार पड़ते हैं, तो नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। और साथ साथ इम्यून सिस्टम जो है वो कैंसर भी निर्माण कर सकती है। अच्छा, जो कहीं कैंसर होते हैं ना, कहते पता नहीं क्यों कैंसर हो गया, कि वो तो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, ठीक से एक्सरसाइज कर रहा है, वेट भी ठीक है, डाइट ठीक है, तो क्योंकि ये इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गई। इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। वास्तव में बॉडी को ये है कि भाई ये मेरी बॉडी है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। लेकिन इम्यून सिस्टम अगर रिकॉग्नाइज नहीं करे, जैसे नहीं हमारे सोल्जर है वो हमारे लोगों को मारने लगे, रिकॉग्नाइज नहीं करे कि दे आर अवर ओन पीपल, तो है ना, ऐसा इम्यून सिस्टम में होता है। Okay. और इसके कारण कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अपने ही डिफेंस मैकेनिज्म को अटैक कर दिया, कर दिया नहीं, क्योंकि वो फॉल्टी हो गया और रिकॉग्नाइज नहीं करने लगा। वही जैसे कंप्यूटर है, उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई वायरस ऐसा आया, तो उसका पूरा वो कोलैप्स ही हो गया। नहीं, अच्छी वैल्यूएबल फाइल्स को ही डिलीट कर दिया, सारी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता। अच्छा, ये जो कॉर्टिसोल था, क्योंकि किडनी के बारे में बात किया आपने, ये डायबिटीज को एक्टिवेट करने में भी क्या ये रिस्पॉन्सिबल? कॉर्टिसोल ऐसा हार्मोन है जिसकी काफी इफेक्ट है। जैसे कॉर्टिसोल इज एन एंटी इंसुलिन हार्मोन, वो इंसुलिन से अपोजिट काम करता है, तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो इंसुलिन सप्रेस होगा और डायबिटीज पर भी उसकी इफेक्ट होगी। एटलीस्ट जो कंट्रोल है डायबिटीज का वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक जो बात गहराई से समझने की है कि जो अभी भी साइंस अब मानने लगा है, 100% नहीं मान रहे हैं, वो यह कि हमारे विचार भले यह कोई मैकेनिज्म न भी हो, अब तक तो डॉक्टर्स यही सोचते थे कि भाई मन में जैसे गुस्सा आया तो क्या मैकेनिज्म होगी ताकि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा, लेकिन अब तो ये मानने लगे कि विचार है वो भल मैकेनिज्म न भी हो, जो कनेक्शन है फिजिकल कनेक्शन न हो तो भी बॉडी पर इफेक्ट कर सकते हैं। एक होता है एंटी डायुरेटिक हार्मोन, कि मन एंटी डायुरेटिक हार्मोन पर कैसे इफेक्ट करेगा, उसका कनेक्शन एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी इफेक्ट होती है। एंटी डायुरेटिक हार्मोन क्या करता है? डायुरेटिक हार्मोन है कि जो अपने जो बॉडी में पानी है उसका बैलेंस रखता है।
अगर नहीं पानी ज्यादा हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, कम हो जाए तो भी अच्छा नहीं है। तो वो जो बैलेंस है वो ये हार्मोन करता है, और टॉक्सिक इमोशन से एंटी डायुरेटिक हार्मोन पर भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो वो वाटर रिटेंशन जो होती हो जाएगा, या तो एक्सेस नहीं ज्यादा यूरिन होगा और वाटर है वो शरीर के बाहर निकल जाएगा, और कई बार स्वेलिंग हो जाती है, ज्यादा रिटेन हो जाता है, रिटेन होने से स्वेलिंग होगी। तो अब तो ये मानने लगे कि वो फिजिकल कनेक्शन की भी जरूरत नहीं है, मन बॉडी पर डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। अमेजिंग शिवानी, मतलब दिस इज समथिंग, इट्स अ रेवोल्यूशन। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम आज बात कर पा रहे, व्हाट डू यू से, I yeah. think it gives a big hope to all of us that we don't need to live with these diseases. That's a big hope. कि जैसे परिस्थितियाँ मैं अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ, रिश्तों को कंट्रोल में ला सकता हूँ। हमने इतनी बार इस प्लेटफॉर्म पे कहा कि रिश्ता, चाहे उसमें दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है, हम अपने सोच को ठीक कर लें, रिश्ता ठीक हो जाएगा। आज हमें समझ में आया हम अपने सोच को ठीक कर लें, शरीर ठीक हो जाएगा, तभी तो कहीं एनर्जी इन्वेस्ट होगी। सिवाय अभी लुकिंग एट इट शॉर्ट टर्म, हमें ये पता है अगर लाइफ में बॉडी ठीक नहीं चली तो जो भी चीज़ें हम अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर सकते। तो आज उल्टा इट्स अ होप, इट्स फैक्ट, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस कि एक और चीज़ मेरे कंट्रोल में आ गई है। था पहले मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में आ सकता है, मेरे रिश्ते मेरे कंट्रोल में आ सकते हैं, आज ये कि मेरा शरीर भी मेरे कंट्रोल में आ सकता है। नहीं तो अभी तक कह रहे थे वो बीमारी हो गई, या अब बीमारी हो गई तो अब ये रहेगी। आज हमें ये पता चलता है बीमारी भी मैंने क्रिएट की थी, ठीक भी इसको मैं ही करूँगा। और अगर अभी कोई बीमारी नहीं है तो मैं अगर ठीक चलूँ यहाँ तो यहाँ कोई बीमारी नहीं होगी। दिस इज लाइक वंडरफुल न्यूज़ फॉर ऑल। और मैसेज तो एक इम्पोर्टेंट ये है कि भी डरने की बात नहीं, ये सब जान के आप लोग डरते भी हैं। जैसे आपको नॉलेज मिलती है कि सब कंट्रोल में आ गया है, तो एक्चुअली तो अच्छी बात है ना कि ये चीजें मेरे कंट्रोल में। पॉजिटिव समझो कि दिस इज इम्पोर्टेंट। नो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जिस्ट कर रही है, आज जो बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, हम उनको ठीक करने के भी रिवर्सल प्रोसेस भी कर पाएंगे। डेफिनेटली वी कैन डू इट। सोच को अपनी चेंज करके, डॉक्टर पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। क्योंकि अभी तक जिंदगी के कई, जैसे आपने कहा कि रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे परिस्थितियों में, अपने आप अपनी थॉट को चेंज करके, लेकिन आज अगर इन बीमारियों को भी हम रिवर्स कर सकते हैं प्रोसेस को, तो उससे बड़ी तो कोई मिरेकल नहीं हो सकता। ओम शांति। ओम शांति। सचमुच आज जो हमने बात की है, हाँ थोड़ी थोड़ी घबराहट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक जैसे रियलाइजेशन होता है, जैसे हमें पहली बार समझ में आया था कि हमारे थॉट्स जो हैं वो हम खुद क्रिएट करते हैं, बहुत डिफरेंट लगा था। सिमिलरली हमारे ही द्वारा क्रिएट किए गए ये थॉट्स और फीलिंग्स मेरे शरीर के जितने भाग हैं, जितनी बीमारियों से आज मैं जूझ रही हूँ, उनको क्रिएट करने में सहायक हुए हैं। इनफैक्ट उनके द्वारा बहुत हेल्प मिली है ये बीमारियाँ क्रिएट होने में। पहले ये पता चला, अब हम उसको रिवर्स करने के प्रोसेस को भी जानेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छी तरह से आप एक्सेप्ट करें, समझें, जानें कि क्या क्या हो रहा है आपके शरीर में। और जैसे हमने थॉट्स को देखा, शायद अगर शरीर के बारे में सोचना शुरू करेंगे हमें ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। कोई बात आपके मन में है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं ईमेल पर या फिर फोन पर। इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 09999744555। आगे जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस प्रोसेस को रिवर्स कैसे करें। अगर ये थॉट्स मुझे इन बीमारियों की तरफ लेकर जा सकते हैं, तो यही थॉट्स, यही इमोशन जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इन बीमारियों को ठीक भी तो कर सकते हैं। इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति।